वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन पूछा है विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो देखो, यहां पर हम लोग को क्लियर है ए से लेके लेट से एक्स, एज वी मूव अलोंग दिस लाइन वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर का क्या होगा? वी नो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर विल इंक्रीज। सो ये हम लोग को क्लियर है, पी एक्स विल बी मोर देन पी ए। यहां पर एक्स से लेके वाई में वॉल्यूम डिक्रीजेस, जब वॉल्यूम डिक्रीज किया कंप्रेस किए तो प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर भी इंक्रीज किया तो मतलब तो भी प्रेशर बढ़ा। समझ में आया? वॉल्यूम कंप्रेस से भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज से भी बढ़ रहा है तो यहां पर हो जाएगा पी वाई विल बी मोर देन पी एक्स। उसी तरीके से जेड में भी होगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, गैस इज कंप्रेस्ड एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस तो पी ऑफ जेड विल बी मोर देन पी ऑफ वाई। अब यहां पर देखो जेड से लेके बी में वॉल्यूम इंक्रीज किया, एक्सपैंड किया तो प्रेशर कम होगा, एक्सपेंशन के समय प्रेशर कम होता है बट टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम की बात माने तो प्रेशर कम हो जाएगा बट टेम्परेचर की बात मानेंगे तो टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। अब जब दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, वॉल्यूम अलग बताता है टेम्परेचर अलग बताता है तो कैसे मालूम चलेगा? तो देखना होगा कौन ज्यादा स्ट्रांगली बोल रहा है। यहां पर देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है और ये स्मॉल अमाउंट इज डिक्रीज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम इतने से इंक्रीज किया, टेम्परेचर इतने से इंक्रीज किया तो वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा है, वॉल्यूम की बात मानी जाएगी तो बोलेंगे पी ऑफ बी विल बी लेस देन पी ऑफ जेड। तो आंसर क्या हुआ? प्रेशर इज इनिशियली इंक्रीजिंग इन फर्स्ट थ्री स्टेप एंड देन प्रेशर इज स्लाइटली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, प्रेशर इनिशियली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। देखो इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ अगर ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरीके से पास हुआ, लेट से ये आपका ए है ये आपका बी है तो इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के एट एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम। ये हम लोग को पता है ना कि जब वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ इस तरीके से आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए से बी मूव करेंगे अलोंग दिस लाइन तो प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब अगर ए से बी देख लीजिएगा, अगर किसी भी समय इधर तरफ इस साइड में अगर कुछ हो जाए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहां पर और गैस का मास चेंज नहीं किया लेट से, तो हम लोग बोलेंगे दिस पॉइंट विल हैव मोर प्रेशर देन दिस, यहां पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा और यहां पर प्रेशर कम होगा, ये एरिया मोर प्रेशर का हो जाएगा, ये एरिया लेस प्रेशर का हो जाएगा। समझ में आए? अब लेट से ये पॉइंट यहां से यहां मूव कर गया और ये ओरिजिन से पास किया स्ट्रेट लाइन, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे दिस पॉइंट हैज मोर प्रेशर देन दिस बट दिस पॉइंट हैज सेम प्रेशर एज दिस, इस लाइन के मूव कीजिए तो ऑल पॉइंट्स अलोंग दिस लाइन हैव सेम प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज ऑलवेज मोर देन दिस प्रेशर। यहां पे तो सारे प्रेशर एक जैसे हैं,
तो कोई भी प्रेशर, दिस प्रेशर विल बी लेस कंपेयर टू दिस प्रेशर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इधर आने से, टेम्परेचर के तरफ आने से प्रेशर इंक्रीज करता है, और इस तरफ जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो अब देखो, ए आपका ये वाला रहा और बी आपका ये रहा, तो ए और बी का प्रेशर पूछेगा तो बोलेंगे प्रेशर ऑफ बी इज मोर देन प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि इधर है। ठीक है, अगर मैं ये लाइन बनाता हूं, लेट से ये ओरिजिन का लाइन है, तो ऑल पॉइंट्स अलोंग दिस लाइन हैव सेम प्रेशर एज दैट ऑफ ए, एंड ऑल लाइन अलोंग दिस, ऑल पॉइंट्स अलोंग दिस लाइन हैज सेम प्रेशर एज दैट ऑफ बी। ये वाला लाइन इस तरह है, तो बी का प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू ए। उसी तरीके से एक्स का प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू ए, वाई का प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू एक्स, जेड का प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू वाई, एंड ये लाइन देखो, ये अपना जेड पॉइंट है, जेड और बी में कौन ज्यादा है, जेड इज मोर देन बी। इधर वाले देखना है, ओरिजिन से लाइन कनेक्ट कीजिए और इधर हो गया तो प्रेशर इज मोर, इधर हो गया तो प्रेशर इज लेस, लाइन पे हुआ तो प्रेशर इज इक्वल। ठीक है, अपना आंसर है प्रेशर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, बट देयर इज ओवरऑल इंक्रीज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, थैंक यू।